आज हम डिस्कस करेंगे मापन की विधियां। किसी भी वस्तु को मापने की जो विधि है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो मान लो ये पेन है, इस पेन की अपने को लंबाई नापनी है, तो कौन सी विधि से नापते हैं? तो देखो, दो विधियां होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट मेथड। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। देखो, दोनों के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। जैसे मान लो मेरी हाइट मेजर करनी है, तो आप डायरेक्ट नाप सकते हो, आप इंची टेप लोगे और उससे डायरेक्ट मेरी हाइट आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। अगर मैंने आपको बोला कि भी यहाँ से और चंद्रमा की दूरी नापो, तो उसके लिए आपके पास इतना बड़ा कोई स्केल तो होगा नहीं जिससे कि आप यहाँ से रखो चंद्रमा तक पहुँच जाए, तो वो डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उस विधि को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। क्लियर है? तो इसमें हम सीधा नाप सकते हैं, इसमें सीधा नहीं नाप सकते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। अब हम अपने यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अपने को बहुत बड़ी दूरियां जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या फिर ग्रह या तारे की दूरी, ये अगर अपने को नापनी है, तो उसके लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। और उसमें भी उस विधि का नाम है लंबन विधि। ये अप्रत्यक्ष विधि है, लंबन विधि। इस विधि की सहायता से हम पृथ्वी से चंद्रमा, तारे और जो ग्रह हैं उनकी दूरियां आसानी से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लंबन होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो समझते हैं इसको। लंबन, लंबन विधि में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लंबन के बारे में। पैरेलेक्स मेथड, पैरेलेक्स मेथड। तो लंबन का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं पहले, फिर लंबन विधि पर आते हैं। लंबन, तो देखो लंबन क्या होता है। देखो, सपोज दैट ये पेन है, इसको आप अपनी आंखों के सामने रखो और इस पेन को एक बार आप दाईं आंख से देखो और एक बार इसको बाईं आंख से देखो। जब दाईं आंख से देख रहे हो उस समय बाईं आंख को बंद रखना, तो आपको लगेगा कि पेन एक बार आपको इधर दिखेगा, दूसरी बार जब दूसरी आंख से देखोगे तो ये थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको इसकी स्थिति। तो इसको हम कहते हैं लंबन। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, देखो जब इस पेन को मैं इस वाली आंख से देख रहा हूँ, इस वाली आंख को अगर हम बंद कर लें, तो इस वाली आंख से जब हम देखें तो दृष्टि रेखा जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये वाली, और इस वाली आंख से जब देखेंगे तो दृष्टि रेखा बनेगी ये वाली। तो कुछ इस टाइप से होता है। देखो, मान लो पेन है, इसको हम एक बार यहाँ से देख रहे हैं और एक बार यहाँ से जब देखेंगे तो दृष्टि रेखा ये बनेगी और यहाँ से जब देखेंगे तो दृष्टि रेखा ये बनेगी। तो पेन की जो स्थिति है वो अपने को चेंज होती नजर आएगी, कभी इधर कभी इधर। क्लियर है कि नहीं? इसको हम कहते हैं लंबन। अब लंबन विधि को समझते हैं, कैसे इससे हम बड़ी दूरियां नाप सकते हैं। तो बात करते हैं लंबन विधि। तो मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है, धरती माता, और इससे उस दूरी पर ये कोई ग्रह है या सारा है या चंद्रमा है। ग्रह है तो उसको हम प्लेनेट कहते हैं, इसलिए उसको पी से लिख लेते हैं। इसकी दूरी नापनी है पृथ्वी से, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर दो अलग अलग बिंदुओं से, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है,
ये मान लो बिंदु ए है और ये बिंदु है बी, तो इसको एक बार ए से देखेंगे और दूसरी बार बी से देखेंगे एक साथ, तो यहां से देखेंगे तो जो दृष्टि रेखा बनेगी वो ऐसे होगी और यहां से देखेंगे तो ऐसे होगी। इन दोनों के बीच का कोण हम आसानी से नाप सकते हैं, तो मान लो ये कोण है अल्फा और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी पर हैं जिसको हम आसानी से नाप सकते हैं, तो मान लो ये दूरी है बी। अब अपने को पृथ्वी से ग्रह की ये दूरी है इसका मान ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये दूरी है एस, एस का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो दूरी है पृथ्वी से ग्रह की ये काफी बड़ी होगी एज कंपेयर टू इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ये दोनों बिंदु तो पृथ्वी पर ही हैं, ये तो पास पास ले सकते हैं हम आसानी से, तो एज की जो वैल्यू होगी ये बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू बी। एस का जो मान है ये बी की तुलना में काफी बड़ा होगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको, ये दूरी तो काफी बड़ी है और ये दूरी काफी छोटी है, तो इसको हम समझने के लिए कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी है इसकी तुलना में, तो इसका मतलब ये हो गया। आप देखो अगर हम ये दूरी एस थी, ये कोण था अल्फा, ये दूरी थी बी, अगर हम एस त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र है पी, तो ये वृत्त कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये दूरी छोटी होने के कारण इसको हम चाप मान सकते हैं हम वृत्त की, ये दूरी जो बी है इसको हम एक चाप मान सकते हैं। तो देखो ये तो होगी त्रिज्या और ये हो गई एक चाप और ये है कोण। अब अपने को फॉर्मूला पता है कि जो कोण होता है कोण को हम लिख सकते हैं चाप बटे में त्रिज्या, नहीं आ रहा, ये पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में कि जो कोण होता है चाप बटे में त्रिज्या। तो यहां पे जो कोण है अल्फा इसको हम लिख देंगे चाप, चाप है अपनी बी बटे में त्रिज्या एस। अब अपने को मान जो ज्ञात करना था, सॉरी चाप तो है बी, उल्टा तो लिख दिया है, चाप बटे में त्रिज्या, तो चाप तो है अपनी बी और त्रिज्या है एस। तो देखो यहां से जो बी है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एस, तो यहां पर जो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां से एस को हम लिख सकते हैं, देखो एस इक्वल हो जाएगा बी अपॉन में अल्फा, अल्फा नीचे चला जाएगा, तो ये जो दूरी है एस इसका मान आ गया बी बटे में अल्फा। बी ये दूरी है जिसको हम आसानी से माप सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही दो बिंदुओं की दूरी है, ये कोण को भी हम आसानी से नाप सकते हैं। ये दोनों दूरी अपने को जब पता हो जाएंगी तो हम ये अज्ञात दूरी नाप सकते हैं इस प्रकार से। यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर जो कोण है अल्फा इसको आपको रेडियन में लेना है, क्लियर है? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आई। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, तो आप डिग्री की जगह पाई बटे 180 पुट कर सकते हो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अज्ञात दूरी ज्ञात कर सकते हैं।